और अपनी मामा को भी ये कहते होंगे कि वो भी घर में सब एक्टिविटीज करके आपके साथ एंजॉय करें तो so, आइए आज का फन और आज की एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आपकी टीचर के लिए एक अच्छा सा मैसेज सो डियर टीचर आज आपके स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क इन कोलेबोरेशन इन ग्रुप्स प्रोजेक्ट वर्क टू प्रमोट लीडरशिप स्किल्स तो आज हमारे बच्चे मिलजुल कर काम करना सीखेंगे तो so, देखते हैं वो किस तरह से आपके लिए एक और ज़रूरी मैसेज ये है कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी मदद के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेसन प्लान वर्कशीट्स और बहुत सी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं अगर आप चाहें और अपने लेसन को मज़ीद इन्हेंस करना चाहती हैं तो आप इन तमाम चीज़ों को डाउनलोड कीजिए और अपने लेसन को और ब्यूटीफुल बनाइए सो डियर चिल्ड्रन आज हम जो पेज करने वाले हैं उस पर कुछ इस तरह की एक्टिविटी है जो कि है फेसेस यानी कि इमोशंस बनाने की सो so आज हम टीचर और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर बहुत से इमोशंस बनाएंगे और उसका उसके ऊपर फिर एक्टिंग भी करेंगे सो so आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स इन्हांस होने वाली हैं वो किस तरह से वो इस तरह से कि जब आपसे टीचर कोई बात करेंगी तो आप उसे सुनने के बाद बहुत अच्छे तरीके से आंसर भी करने वाले हैं इसके अलावा आज जब आपके सब फ्रेंड्स एक्टिंग करेंगे तो आप उन्हें देखकर बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि आप उन्हें सुन भी सकेंगे आइए आज का फन स्टार्ट करते हैं बहुत ढेर सारे इमोशन से टीचर ने आप सबको एक छोटा सा सर्कल दिया होगा और आपसे ये भी कहा होगा कि इसके ऊपर कोई इमोशन ड्रॉ कीजिए So I have kept many circles, on which I have drawn many emotions. Draw ki hai. That is weepy face, and this is an angry face. This is a happy face, which I can say this is showing the excited face. This is a sad face, and I have another happy face. सो आई एम गोइंग टू यूज़ इट इन दिस एक्टिविटी हाउ आपको करना ये है कि अपने लिए खुद से क्रिएट कीजिए स्टोरी और उसके बाद टीचर को वो स्टोरी सुनाइए इन छोटे छोटे प्रॉप्स के साथ तो मैंने अपनी स्टोरी क्रिएट कर ली है आप भी अपनी स्टोरी टीचर को सुनाइए और ये पपेट्स उनको भी शो कीजिए सो डियर टीचर पॉज द वीडियो एंड लेट दैम मेक देयर पपेट्स Very nice. I hope you all have your own puppets. I have my puppets also. Let's start my story. So I was very sad and I was waiting for someone in my home. I was sad. Then the bell rang. I, I asked who's there, but nobody said any word. I got angry so can you see my angry face i got angry then i heard that someone is on the door i opened the door after recognizing this voice i opened the door and i got surprised i got very very happy because there was my uncle with my auntie And they brought me lots of gifts, so I got very एंड देर sure आप सब ने अपनी अच्छी सी स्टोरी जरूर बनाई होंगी आपकी टीचर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पॉज़ द वीडियो एंड सबको मौका दीजिए कि वो सब अपनी अपनी स्टोरी पर परफॉर्म करें सो डी टीचर पॉज़ द वीडियो एंड लेट देम परफॉर्म वेरी गुड आई होप आप सब ने बहुत ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेज देकर टीचर के फेस पे भी बहुत प्यारी सी स्माइल दी होगी और आपके सब फ्रेंड्स भी बहुत खुश होंगे आज हमने बुक का जो पेज किया उसके ऊपर टीचर ने आपको ये एक सर्कल दिया जिसके ऊपर आपने एक्सप्रेशंस ड्रॉ किए और ड्रॉ करने के बाद उन पर एक्ट भी किया आई होप आप सबने भी बहुत इंजॉय किया होगा आइए अब हम रिवाइज करते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम क्या थे और हमने उन्हें अचीव किया या नहीं सो डियर टीचर और एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स वर्क इन कोलेबरेशन इन ग्रुप्स प्रोजेक्ट वर्क और टू प्रमोट लीडरशिप क्वालिटीज और स्किल्स सो हम ये काम क्यों कर रहे थे क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये काम कर रहे थे आप सब ने जितनी भी परफॉर्मेंसेस दी और जितना भी काम किया अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर किया और एक ग्रुप में किया इससे क्या होता है कि आप में बहुत कॉन्फिडेंस आता है एंड इट विल लीड टूअर्थ लीडरशिप स्किल्स तो आप आहिस्ता देखिएगा एक अच्छे लीडर बन सकते हैं सो आई होप आपने ये लेसन बहुत इंजॉय किया होगा अब इन्हीं पपेट्स को घर लेके जाइए और घर जाके भी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज अपनी मामा को दीजिए सो वट इज योर होम टास्क मेक डिफरेंट पपेट्स एंड आस्क योर फैमिली टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट जैसा आज आपने क्लास में किया अपनी मामा बाबा और सिबलिंग से भी कहिए कि वो बिल्कुल उसी तरह से एक्ट करें और इंजॉय करें थैंक यू सो मच आई होप आपने आज का लेसन भी बहुत एंजॉय किया होगा मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज